होए भाई साहब, ये सब रख दो, सब रख दो, ये सब मैं पीऊंगा। जावेद भाई का माशाल्लाह साइज तो देख रहे हो। हाँ। एक बार ब्रा ब्रा बोलो। बराफ। आ जाओ। What's up guys? दोस्तों आज मैं आया हूँ यमुनानगर मौजपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने विलोक्स रेस्टोरेंट पे। दोस्तों यहाँ पे मेरे साइज के हिसाब से खाना मिल रहा है, तो चलिए अंदर चलते हैं और खाना टेस्ट करते हैं। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए। हेलो, कैसे हो आप? जी, तो दोस्तों ये है विलोक्स रेस्टोरेंट का ओनर अनीस भाई। अनीस भाई ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट कब से आपने ओपन किया है? एक साल हो गया। अच्छा, वन ईयर हुआ है, तो इसका बर्थडे मनाया आपने? तो अनिश जी ये बताइए कि मेरे साइज के हिसाब से खाना है आपके पास? बहुत खाना है, बहुत इतना बड़ा बड़ा खाना है। अच्छा, तो फिर चलिए टेस्ट करता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली खाना रेडी है। ओए होए 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 ड्राई फ्रूट मेरा फेवरेट। और ये सलाद। और भी है कुछ? होए 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 भाई साहब, ये सब रख दो, सब रख दो, ये सब मैं पीऊंगा। और कुछ रह गया? जी जी, और भी आ रहा है। ये देख रहे हो। तो गाइस फाइनली खाना रेडी हुआ है और खाना मेरे साइज के हिसाब से भाई साहब भूख बहुत ज्यादा लगी है, वेट नहीं कर सकता हूं। तो उससे पहले मैं अनिश जी को बुलाऊंगा जो यहाँ का ओनर है, विलोक्स रेस्टोरेंट का ओनर को बुलाऊंगा। अनिश जी आप आ जाइए। तो अनिश जी ये बताइए कि क्या क्या मेरे लिए रेडी किया आपने? ये मटन सिकंदरी रान है, पूरा रान है, पूरा रान है भाई साहब, इनको पीस पीस करके पूरा रान है। ये मटन रान है, सिकंदरी रान, मटन सिकंदरी रान। अच्छा, ये जुगलबंदी सीख कबाब है, जुगलबंदी सीख कबाब, नीचे अच्छा। मटन ऊपर चिकन की लेयर, फिर उसका थ्री लेयर में बनता है। अच्छा, तो भाई साहब इसमें मटन और चिकन दोनों मिक्स है। और ये है हमारा स्पेशल, ये मेरे साइज के हिसाब से, हाँ। तो ये मटन जूसी मंदी, मटन जूसी मंदी भाई साहब, ये शायद मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। और ये स्पेशल कबाब, कौन सा कबाब? वेलोक स्पेशल चिकन। अच्छा, वेलोक्स स्पेशल चिकन कबाब जो यहाँ का स्पेशल है, यहाँ का फेमस है। तो अनिश जी, और ये क्या है इसमें? ये हांडी बिरयानी, इसमें आंधी बिरयानी है। ओए होए 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 होए। तो अनिश जी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, ये मॉकटेल्स है अलग अलग फ्लेवर का। अनिश जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो मेरे साइज के हिसाब से खाना आपने बनाया, तो मैं मेरे साथ खाओगे तो आ जाओ जी। तो गाइस फाइनली खाना रेडी है, तो भाई साहब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों मजे का बात पता है क्या है, कि आज मेरे साथ दो गेस्ट है, एक मेरे टक्कर के हिसाब से है, माशाल्लाह उसका पेट थोड़ा ज्यादा है, और एक पतला दुबला है। दो गेस्ट हैं, ये अकेला मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, तो मैं दोनों को बुलाऊंगा, दोनों साथ में खाना खाएगा। एक मेरे साथ शायद कंपटीशन भी करेगा, थोड़ा चैलेंज भी करेगा। तो आ जाओ भाई, आप सबको, सब तो इनको जानते हो। ये है हमारा जावेद भाई। अरे सर थैंक यू। जावेद भाई का माशाल्लाह साइज तो देख रहे हो। तो एक बार बुरा बुरा बोलो। और दूसरा है मेरा बड़ा भाई है, तो मैं अपने बड़ा भाई को भी बुलाऊंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा
पतला है। ये मेरा बड़ा भाई है। तो भाई साहब रेडी हो आप? बर्दाश्त से आप भी रेडी हो? बर्दाश्त से बाहर हो गई। अच्छा तो कूट पड़ू? बिल्कुल मेरे लिए रख देना, अब ये नहीं कि सब खाओगे तो। नहीं नहीं बाबा। अच्छा चलो फिर शुरू करते हैं। यलहार माशाल्लाह। तो भाई साहब मैं चावल से शुरू करता हूँ, मंदी से। ये भी बहुत शानदार। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया है। इसमें चिकन और मटन दोनों हैं, कहीं नहीं भाई मिलेगा। भाई साहब क्या चावल है। इसमें ड्राई फ्रूट बहुत टेस्ट है। अफगानिस्तान की याद आ गई आपको? ये टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है। ये है मटन रान। ले लो, देख रहे हो भाई कितना सॉफ्ट है। ओहो, ऐसी हो रही है होटल से खाई जाए। ये सब फिनिश करना है हम लोगों को बाबा। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अकेले ही निपटा देता बाबा। जब से दिलावर भाई हमारी जिंदगी में आए माशाल्लाह एक से बढ़िया खाने को मिल रहा है। दिलावर भाई यही रुक जाओ दिल्ली में, मैं अपना गुर्दा बेच के तुम्हारे लिए एक प्लेट दिलवा दूंगा, यही रुक जाओ बाबा। दिलावर भाई जहाँ जाते हैं ना माशाल्लाह खाने इनके आगे पीछे होते हैं। तो ये आ गया सलाद मंदी के ऊपर। मटन के मसाले बहुत जानदार है जी। मजा आ जाएगा दोस्तों, आप भी आए वेलॉक्स में। वाह भाई वाह। अमेजिंग टेस्ट। आपको कुछ डिफरेंट लगा मुंबई के और यहाँ के टेस्ट में? बहुत बढ़िया है ये, इतना सॉफ्ट है ना। ये देखो मटन कितना सॉफ्ट है। वाह वही बात। तो ये है विलोक्स रेस्टोरेंट का फेमस चिकन, इसके ऊपर शायद चीज होगा। भाई साहब ये देख कर होगा हर एक चीज़ जो है ना बहुत ही मुनासिब मसाले हैं बेहतरीन। और जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं दोस्तों वो ज़रूर एक दफ़ा वेलॉक्स में आए। और ये मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास है, ईस्ट दिल्ली में लगता है। और गाड़ी पार्किंग सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप आइए एक दफ़ा मज़ा आ जाएगा। वाकई में टेस्ट बहुत लाजवाब है। और अगर यहाँ पे आसपास पे रहते हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर लीजिए भाई साहब, पूरा दिल्ली में ऐसा खाना नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं माशाल्लाह से, बाहर मुल्कों में भी जाते हैं खाने टेस्ट करते हैं। इनको जैसे ही पता लगा ये टेस्ट करो। मजा आ गया भाई साहब।
अभी तो रह गया फिनिश कर भाई। बाबा मुझे लगता है पठानों से मैं क्या दुनिया कोई नहीं जीत सकती, तो मैं कहाँ से जीतूंगा, मुझे लग रहा है कि मेरा कोटा पूरा हो गया बाबा। भाई साहब इसमें भी बिरयानी रह गया। हाँ हाँ मटन हांडी बिरयानी ये भी इसी में डाल दूँ। टेस्ट करता हूँ ये कैसा। बहुत ही चटपटे मसालेदार, जैसा कि दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो गलावट ये चिकन बिरयानी है। मैं खुद पहली बार खा रहा हूँ चिकन की मटन भी हो, चिकन की हांडी बिरयानी, मटन मटन हांडी भी होती है यहाँ पर। ओह बहुत बढ़िया, चावल भी बहुत उम्दा दोस्तों, बासमती 1 इंच लंबा। दोस्तों ये देख रहे हो मटन, सिकंदरी मटन लेग पीस पूरा राम है। और युद्धाल बाबा होते दोस्तों, अगर ये वीडियो इनके दोस्त उल्लास भाई के पास पहुंचेगी ना, चिकन लेग पीस आप लोग जानते हैं उन्हें, और ज़रूर वो भी आएंगे यहाँ पर एक बार विजिट करेंगे, और उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ऐसे ही खाते रहिए बकरे पे बकरे। उल्लास जी की याद में चिकन, वो चिकन लेग पीस खाता है, मैं मटन लेग पीस। दोस्तों अच्छा हुआ डायनासोर खत्म हो चुके हैं, नहीं तो हमारे दिलावर भाई और बाबा उल्लास भाई मिलके इन डायनासोरों को वैसे भी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा पेट भर गया, दिल भी भरा। तो दोस्तों खाना तो माशाल्लाह बहुत लाजवाब है, और ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तारीफ कर रहा हूँ, एक बार जब आप आओगे यहाँ पे टेस्ट करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कैसा है। कैसा था खाना? जबरदस्त। यही रुक जाओ दोस्तों, इसको हम आराम से खाएंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे एक बार ज़रूर आप विजिट कर। मेरा भी चैनल है जावेद बर्फ के नाम से, यूट्यूब पे जावेद भाई को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जावेद बर्फ के नाम से। हाँ हाँ बिल्कुल।